अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा का हृदय रोग विभाग विंध्य क्षेत्र का प्रथम हृदय रोग संस्थान बन गया है, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के त्रिपाठी ने एक ही दिन में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ चिकित्सालय में आए 3 मरीजों को पेसमेकर इम्प्लांट करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए एक साथ तीनों मरीजों को पेसमेकर इम्प्लांट करने में काफी कठिनाइयां थी। फिर भी मरीजों की जान बचाने के लिए किसी भी प्रोसीजर को अगले दिन में टालना सही नहीं समझा, अतः एक ही दिन में तीनों मरीजों का पेसमेकर इम्प्लांट करने का प्लान बनाया। यह जटिल प्रोसीजर को एक ही दिन में कैथ लैब स्टाफ जय नारायण मिश्रा, सत्यम शर्मा, मनीष सुमन एवं नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया। जगदीश तिवारी, सुशीला एवं सुमेश्वर तीनों ही मरीज जो कि डॉक्टर एस के त्रिपाठी के पास कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की शिकायत के साथ आए थे, जिसमें जांच के दौरान पता चला कि मरीज के हृदय की गति कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के कारण सामान्य से बहुत कम हो गई थी, जिसमें तत्काल प्रोसीजर ना करने पर मरीजों की जान को खतरा था। पेसमेकर डिवाइस हृदय में कृत्रिम तरीके से धड़कन उत्पन्न करने वाली जटिलतम डिवाइस कॉलर बोन के 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे एक पॉकेट बनाकर इम्प्लांट की जाती है, जिससे निकलने वाली इलेक्ट्रिकल वायर हृदय को स्टिमुलेट करती है, जिससे हृदय सुचारू रूप से अपना काम कर सके। इस संबंध में डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा द्वारा कार्डियोलॉजी टीम को बधाई दी गई एवं बताया गया कि तीनों मरीज का एक ही दिन में पेसमेकर इम्प्लांट करके मरीजों की जान बचाया जाना गर्व की बात है, जो कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों के आने तथा कार्डियोलॉजी विभाग में सुशिक्षित चिकित्सकों की पदस्थापना होने के कारण ये सभी हार्ट के प्रोसीजर अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में संभव हो पाए हैं।